तस्वीरों में पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहा यह शख्स हत्यारा है। इसने अपने ही गांव के भोला नामक शख्स के शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर अपने साथी अनिल के साथ मिलकर शराब की खाली बोतल से वार कर हत्या कर दी। कल देर शाम वारदात को अंजाम देने के बाद यह फरार हो गए थे। आज सुबह भोला का शव सोनीपत के बयापुर गांव के शराब ठेके के पास से बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने बताया कि किसी अज्ञात शख्स ने बीते कल देर शाम फोन कर भोला को बुलाया था, जिसके बाद आज सुबह उन्हें भोला की मौत की खबर मिली। आप खुद ही सुनिए उसके परिजनों की जुबानी। दारू की बोतल क्या काम करते थे? घर से किस समय गया था? 7 बजे शाम में। आपको सूचना कब मिली? मैं बीमार हो रहा था, मैंने सोन पड़ा था, थोड़े के 7 बजे उठते हैं, मैंने गेरा लग गया। मैं उस जमा पाजा नहीं उठा, चप्पल दी थी पर क्या किया। किसी पे शक है कोई? फोन करके बुला रखा है। क्या नाम आपका? बहियापुर गांव में मिला। क्या नाम था बेटे का? बोला। मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी तुषार को गिरफ्तार किया गया है, जिसने खुलासा किया है कि अनिल और उसने शराब पी रखी थी और शराब पीने के लिए वह भोला से पैसे मांग रहे थे। जब उसने मना किया तो उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसमें तुषार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कल रात को तुषार ने बताया कि मैं और मेरा साथी ठेका पर बयापुर ठेका पर शराब लेने के लिए गए थे। वहाँ पर भोला नाम का एक लड़का अपनी बाइक के साथ में खड़ा था, तो हमने उसके शराब के पैसे मांगे, वो भी हमारे गांव का ही था। इस बात को लेके भोला की और हमारी आपस में लड़ाई होगी, तो हमारे पास में एक बोतल थी कांच की, तो हमने उसको सिर में गर्दन में एक दो जगह मारी और हम उसको बोतल मार के गर्दन पे सिर में हम वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद हमें पता चला कि उसकी हत्या हो गई। सर क्या उनके पास पैसे नहीं थे? हाँ, शराब को लेके, शराब के पैसे को लेके ही इनका झगड़ा हुआ है। उनके पास पैसे नहीं थे, शराब पीने के लिए पैसे मांगे। हाँ जी हाँ। इसमें एक और कितने आरोपी हैं? एक आरोपी और अन्य बकाया है, उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। नाम है? उसका अनिल नाम। आज कोर्ट में इसके रिमांड पे लिया जाएगा? हाँ, रिमांड पे लिया जाएगा तुषार को। पुलिस ने तुषार को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अनिल अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वही देखना होगा इन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि मात्र शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सोनीपत से पवन राठी। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।